नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। एशिया कप फाइनल 2023 मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और जब वे शिखर मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ेगी तो एक तरफ श्रीलंका अपना खिताब बचाने उतरेगी तो दूसरी ओर भारत वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा टूर्नामेंट जीत कर लय पकड़ना चाहेगा। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बदलाव देखने को मिलेंगे। पिछले मैच में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया था। फाइनल मुकाबले में उनकी वापसी होगी जबकि सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और मोहम्मद शमी को वापस बेंच पर बैठना होगा। श्रीलंका की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम अपने खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है। तिक्षणा को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर हैमस्ट्रिंग इंजरी का सामना करना पड़ा जिसके बाद आज उनके फाइनल से बाहर होने की खबर सामने आई। तिक्षणा की अनुपस्थिति में श्रीलंका के पास लेग स्पिनर दुशान हेमथना के रूप में एक शक्तिशाली विकल्प है। दुशान एक अच्छे कलाई के स्पिनर और निचले क्रम के अच्छे बल्लेबाज हैं। इस प्रकार बल्लेबाजी की गहराई 9 तक बढ़ जाती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार अक्षर पटेल भी चोट के कारण फाइनल मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया जाएगा। अक्षर ने बांग्लादेश के खिलाफ 38 गेंदों पर 42 रन बनाए थे। अपनी पारी के दौरान वह लड़खड़ाते हुए नजर आए थे। ऐसे में उनका फाइनल में खेलना मुश्किल है। उनके बैकअप के तौर पर सुंदर को बुलाया गया है। भारत की प्लेइंग 11 है रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। और श्रीलंका की प्लेइंग 11 है पथुम निशांका, कुशल परेरा, कुशल मैंडिस, सदीरा समर विक्रमा, चैरित अश्लंका, धनजने डी सल्वा, दाशुन शनाका, दुनित वेलालेज, दुशान हेमंत, मथीसा पथिराना और प्रमोद मधुसन। तो क्या लगता है आपको, कौन इस मुकाबले को अपने नाम करेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी स्पोर्ट्स अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।